अरे तू इधर कैसे आ गया? अरे तेरे को तो मैं अपने हाथ से मारा। ये दर्पण का डुप्लीकेट है, ये जरूर बेरुपिया है। नहीं, तेरा आंख में खून सवार है, मैं गोली मार देगा तेरे को, मैं सच्ची बोलता है। ये गोली मार रहा है। किस पर भाऊ? यहाँ तो कोई लड़की नहीं दिख रही है। इन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा विश्वासराव। कहा था ना मैंने, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और वो घड़ा अब टूटने वाला है। मैं अपने आई बाबा की मौत का बदला लेने आई हूँ विश्वासराव, और जब तक उनकी मौत का बदला नहीं ले लेती, इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। आग नहीं बढ़ेगा, मैं तुला मार, मैं सब गोली मार देगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तू आगे बढ़ेगी तो मैं तेरा भाई को गोली मार देगा, मैं तेरा भाई को गोली मार देगा, सच्ची बोलता है। रुकने का उधर, रुकने का। किधर हो गया? अरे वो 5000 किलो का धरती का बोझ, अरे जादू हो गया यार, ढूंढने का उसको। चल सॉरी मिस्टर राघव, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं सके। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। रात भर बेचारी परेशान थी, अभी भेजा है उसे गजराज का प्रसाद बनाने। मेरी सुन रही और कौन? अरे जो इंसान सुबह से हमारे साथ है, उसे कह रहे हो तुम कि रात से ही कहीं गायब है? वो क्या रहा है? समझ नहीं पा रहा हूं मैं। हाँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने खुद कहा कि दर्पण अब इस दुनिया में नहीं है, और मीठी मां और पिंकी का ये कहना कि दर्पण इस घर में थी। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। अगर दर्पण यहां थी, वो कौन था जिसे मैंने हॉस्पिटल में देखा? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा कि दर्पण जिंदा है या मर गए। क्या हो रहा है मुझे, मैं कुछ समझ नहीं। हाँ हाँ सब ले आई हूँ।
दर्पण के पास है। इधर भी दिखता है वो दोनों खलास कर देने का। चल फोन नीचे रख। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मैं अपने आई बाबा की मौत का बदला लेने आई हूँ विश्वासराव, और जब तक उनकी मौत का बदला नहीं ले लेती इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। विश्वास राव, दगड़ू पाटिल धोखा नहीं खा सकता है। कभी भी धोखा नहीं खा सकता है। जिधर भी है माइट ढूंढ के निकलता है। एक लड़की को कितनी बार खलास करेगा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। आवाज तो दर्पण की थी, लेकिन यहां तो कोई भी नहीं। क्या हो गया मुझे? अरे हाँ, मिल लूंगी उनसे भी। आपको पता भी है वो कितना पूछ रहे थे आपके बारे में। वैसे भाभी मुझे तो लगता है कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, पर ये अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। वैसे तो मैंने उन्हें डांट कर कमरे में भेज दिया आराम करने के लिए। एनीवे, ये लीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। किससे बात करी थी? रिया भाभी से। और किससे? रिया से। क्या हो गया भैया को? पहली बार इतना अजीब सा बिहेव कर रहा है। रिया, ये रिया का चली। अभी तो यही अरे अरे तू किधर से आ गया? अरे सुनने को नहीं आता है? मैं तेरे से पूछ रहे ना, इधर किधर से आ गया? टपक गया आता मी ना छोड़ना तुला। बस आता माझी सटक लेली है। आज मैं तेरे को नहीं छोड़ता है। आज मैं तेरे को ठारिच मारता है। क्या कर रहे हो आप? गजराज जी से कोई इस तरह से बात करता है? माफी मांगी इनसे, माफी मांगी। मेरा टोचका फिर ले रहा है, बीच में नहीं बोलना भाई को। आज मैं इसका हिसाब किताब पूरा करता है। बहुत हैरान कर दिया है मेरे को। आज नहीं बचता है। आज तेरे को
पापा अभी अभी क्या करने जा रहे थे? बेचारे गजराज नाग का क्या बिगाड़ा? गजराज जी माफ कर दीजिए, इन्हें कर दीजिए, इन्हें नहीं जानते क्या कर रहे थे। पिंकी गुरुजी सच कह रहे थे, राहु और शनि ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। पीछे मैं बाबा ही नहीं, राघव भैया भी बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है आज। पता नहीं दोनों को क्या हो गया। उस गाड़ी का पीछा करना। अरे पांडुरंगा विठला विठला, अरे काय रे काय, तेरा मन में क्या चल रहा है? वो 10 साल का पिक्चर खत्म नहीं होता है। कितना बार मारने का, एक ही आदमी को कितना बार मारने का है? ये हाथ से मैं दर्पण को मार के आया और वो मेरा सामने खड़ा हो गया। अब मैं वो मेरा बर्दाश्त से बाहर होता है अभी। आज मेरा बाइको नहीं होता है ना। गजराज जी से कोई इस तरह से बात करता है, माफी मांगे इनसे। मैं एक काम करते है, पहले मैं वो गणिया को मारते है, बाद में मैं ये पता लगाते है वो बैरूपिया है कौन, ये डुप्लीकेट, उसका भी डी एंड लगाते है, तब ये पिक्चर खत्म होता है। अभी मैं इसका इसका फुल एंड फाइनल करते है, इसका मैं फुल एंड फाइनल करते है। इस हॉस्पिटल में क्यों ले आई मुझे? दर्पण, 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 कमरे में क्यों जा रहे? दर्पण, क्या कर रहे? ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? एक मिनट, इसका मतलब दर्पण ने जो कहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो सच था। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? पूछ रहा हूं कौन हो तुम? देव प्रताप,
बेचारा काका हो रहा था। झूठ! अगर मेरे देव काका होते ना तो उस दिन मंदिर में झूठ नहीं बोलते। उस दिन मंदिर में झूठ क्यों बोलते? क्योंकि तुम देव काका हो ही नहीं। बताओ, बता दे इसलिए क्या है, कौन हो तुम? आप उनकी मजबूरी थी ना, झूठ बोला इसलिए क्योंकि मैं स्वार्थी बन गया था। छोटी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, छोटी बच्ची को उसने पकड़ रखा, वो जान से मार देगा। मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई तो मैं अनाथ हो जाएगा रे। उसको मेरे को बचाने गए तो मैं पलटी मारा। कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन देवकाका, आपकी बेटी है कहाँ? और आपकी बेटी की जान को किससे खतरा है? आप मुझे बताइए मैम, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो विश्वास राव के कब्जे में। विश्वास राव दगड़ूबाई पाटिल बहू के कब्जे में, और वो मार देगा। मैं जानता है वो ऐसा आदमी है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा वो। बाबा देवका का, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बाबा आपकी बेटी को क्यों मारेंगे? एक भाई अपने दूसरे भाई की बेटी को क्यों मारना चाहेगा? देवका, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे सच जानना चाहता हूं, दर्पण ने जो कुछ कहा है मुझसे उसमें कितनी सच्चाई है? दर्पण का बार बार मुझसे यह कहना कि मेरी आई को बाबा ने मारा, उसका बार बार मुझसे यह कहना कि उसके आई बाबा को भी मेरे बाबा ने मारा। कचरी काकी को भी बाबा ने मारा। मैं, आप अपनी बेटी की चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को मैं बचाऊंगा, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। लेकिन ये सच जाने बगैर मैं जिंदगी भर रह नहीं पाऊंगा। मेरे लिए ये सच जानना बहुत जरूरी है, और ये सच मुझे आप ही बता सकते हैं। मेरे को विश्वास है बचाएगा, वो तेरा कुछ बिगाड़ेगा भी नहीं। वो इसलिए अपने खून का कोई खून नहीं कर सकता। अपना खून मतलब? अभी भी नहीं समझा तू? काय को तेरे को बहू यहां बैठा के रखता है, काय को उसने तेरे को गोद लिया, तेरे को इतना प्यार किया, संजू से पिंकी से सबसे पहले तेरे को पूजा, तेरे को अपने कलेजे का टुकड़ा बोलता है ना वो। विश्वास राव नारायणी का बेटा है रे तू। विश्वास राव दगड़ूबाई पाटिल तेरा बाप है। तेरा बाबा ही है वो। सच्चाई बाबा ने मुझसे छुपा कर रखी। देवकाका!